छत्तीसगढ़ से है, जहां पर नक्सलवाद से कहीं बड़ी चुनौती कुपोषण है। छत्तीसगढ़ में आज भी करीब 40% महिलाएं और बच्चे कुपोषित हैं, और यही इस वजह मौके है कि पर राज्य सरकार ने कार्यक्रम का कुपोषण के खिलाफ एक इस मौके जंग पर छेड़ी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को 5 सौगात दी। शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता पर आधारित इन योजनाओं से सरकार नया छत्तीसगढ़ गढ़ने का संकल्प ले चुकी है। इन्हीं योजनाओं में से एक योजना है मुख्यमंत्री सुपोषण योजना। मुख्यमंत्री सुपोषण योजना का शुभारंभ वैसे तो दंतेवाड़ा जिले में पहले से हो चुका है, लेकिन पूरे प्रदेश भर में इस योजना को 2 अक्टूबर को लागू किया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग और स्वच्छता विभाग द्वारा संचालित इस योजना का उद्देश्य कुपोषण और एनीमिया से मुक्ति का है। मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के तहत पंचायतों और महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से कुपोषित बच्चों और एनीमिया महिलाओं को गर्म और पौष्टिक भोजन प्रतिदिन उपलब्ध करवाया जाएगा। इस अभियान के तहत आगामी 3 वर्ष में प्रदेश को कुपोषण और एनीमिया की कलंक से मुक्ति की रणनीति तैयार की गई है। इसमें 0 से 5 वर्ष के कुपोषित बच्चे, 15 से 49 वर्ष की कुपोषित और एनीमिया से पीड़ित महिलाओं को पंचायतों और महिला समूह के माध्यम से पौष्टिक गर्म भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। जो हमारे मुख्यमंत्री जी ओकर पोषण अभियान के अलग एक फंड जेमे सहयोग दाता, हमार बहुत से ऐसे दान दाता आदमी रहते जे मन फंड दी, तो ओकर एक अलग वो बने हैं, है ना, अकाउंट बने हैं जेमे सब दान दाता मन के ओकर माध्यम से भी हम कुपोषण लो मतलब पौष्टिक भोजन दे के व्यवस्था करत हन। डीएमए फंड से जे जिला में ज्यादा पैसा है वहाँ एक 50% तो हमन ओकरे पर 20% के आसपास डीएमए फंड से हमन कुपोषण बार और एनीमिया के ये महिला मन के व्यवस्था के लिए निकाल दे हैं हर जिला में कलेक्टर मन के माध्यम से, ते में भी बहुत सुधार हुई। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा आज छत्तीसगढ़ में कुपोषण मुक्त करने हेतु अभी थोड़ी देर पहले सुपोषण अभियान प्रारंभ किया गया है, जिसमें एनीमिया मुक्ति भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा साझेदारी से किया जाएगा। इस योजना अंतर्गत एनीमिया से मुक्ति हेतु 5 वर्ष तक के बच्चों और 15 से 49 वर्ष तक के महिलाओं का खून जांच किया जाएगा। ये कार्यक्रम संपूर्ण प्रदेश में क्रियान्वित किया जाएगा, जिसमें अनुमानित 5 वर्ष तक के 30 लाख बच्चे और 15 से 49 वर्ष तक के लगभग 80 लाख महिलाओं का रक्त परीक्षण पूर्ण निःशुल्क किया जाएगा, तथा परीक्षण उपरांत चिन्हित महिलाओं को एनीमिया ग्रसित होने पर निःशुल्क उपचार भी किया जाएगा। क्योंकि महिलाओं में एनीमिया ज्यादा है, अतः विशेष तौर पर महिलाओं का खून जांच करने हेतु उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए आज से हमारा नारा होगा, चल बहनी खून जांच करावो। समस्त उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सिविल अस्पताल एवं जिला अस्पताल में बालिका तथा महिलाओं को एक खून जांच किया जाएगा। वास्तव में छत्तीसगढ़ जैसे आदिवासी बाहुल्य राज्य में पौष्टिक भोजन का बड़ा अभाव है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में कुपोषण का प्रभाव अधिक है, लिहाजा सरकार ऐसे जिलों को चिन्हित कर वहां पर व्यापकता से काम कर रही है। खासतौर से इनकी जिम्मेदारी सरकारी इलाकों के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और मितानिनों को दी गई है। इसके साथ ही सरकार ने इनमें औद्योगिक घरानों, व्यापारियों और जनप्रतिनिधियों से भी मदद करने की अपील की है। सुपोषित योजना का लाभ लेने वाले परिवारों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का क्या कहना है, आइए सुनिए। हम लोगों को भोजन मिलता है, खाना दाल हरी सब्जी से हमारे बच्चे और हम स्वस्थ रहते हैं, इससे कुपोषित मुक्त होगा। हमारी भावी पीढ़ी आज सबसे ज्यादा जिस समस्या से लड़ रही है वह है कुपोषण। कुपोषण बचपन को खोखला कर देता है और बीमारी के कुचक्र में फंसा देता है, इसलिए हमारी सबसे बड़ी जंग कुपोषण के खिलाफ है। मैं आह्वान करता हूँ कि जात पात संप्रदाय से ऊपर उठकर कुपोषण के खिलाफ जंग में हमारा और मानवता का साथ दीजिए। भूपेश, सरकार की नीति और नीयत बेहद साफ है। सरकार चाहती है कि स्वस्थ छत्तीसगढ़ के सहारे, मजबूत छत्तीसगढ़ के रास्ते ही हम नवा छत्तीसगढ़ को गढ़ सकते हैं। ऐसे में हमें हर मोर्चे पर जाकर कुपोषण को खत्म करना होगा। वास्तव में सरकार के साथ साथ हम सबको भी इस दिशा में काम करना होगा।
तभी हमारा राज्य सुपोषित राज्य बन पाएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। बना ये हर पल खास सुमित ज्वेलर्स के साथ, जहां मिलती है नई सौगात हर परचेज के साथ। सुमित ज्वेलर्स, हम गढ़ते हैं विश्वास। कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद से समीकरण काफी हद तक बदले हैं। उनको क्यों इधर से उधर किया जा रहा है, घुमाया जा रहा है? ये वो किसान है जो भाजपा के बहकावे में आकर के भ्रम पैदा कर रहे हैं। इस आधार पर बोले हैं उसको वही बता सकते हैं। मुलाकात के कुछ तो मायने हैं, उसमें आखिर सेवन सरकार क्या कर रही है? अरे हम तो राम मंदिर बनाने जा रहे हैं जी। हर एक को अपनी पावर शेयर मिली है। हाँ बताए कि हाँ कि नहीं। अवैध शराब कैसे आउट होगी? अब ऐसा कौन सा जादू की छड़ी आपको घुमाएगी? शराब ऑनलाइन नहीं मिलेगी। सरकार ने रिकॉर्ड तोड़ धान खरीदी की है। वचन पत्र भी जो है